Welcome students of class 6 and welcome back in your video lecture session. So I hope all of the students are fine and safe at their homes. So in this lecture we are going to read our second essay, that is Life in a Big City. तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी स्टूडेंट बुक खोलें और सेकेंड एसे पे आज की डेट मेंशन करें. सो टुडे इज 7/9/21. सब बच्चों ने डेट मेंशन कर ली, वेरी गुड. हमारे एसे का नेम है लाइफ इन अ बिग सिटी, यानी कि बड़े शहर की ज़िंदगी, यानी कि बड़े शहरों में ज़िंदगी कैसी होती है, कौन कौन से फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होती हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. इसके अलावा आपको पता है बड़े शहरों में रहने के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है. तो इस एसे में हम वो सारा कुछ पढ़ेंगे. आज हम अपने एसे की हाफ रीडिंग करेंगे, तो जिसको आपने अच्छे तरीके से याद करके लिखना होगा, ठीक है. चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Life in a big city is always busy and exciting. बड़े शहरों की जो ज़िंदगी होती है वो मसरूफ़ भी होती है और आपको पता है बहुत दिलचस्प भी होती है. देर इज़ अ ग्रेट हसल एंड बसल एवरीवेयर. हर तरफ एक अफरा तफरी, एक रौनक सी होती है. आपको पता है ना, लोग इधर उधर अपने कामों वगैरह पे जा रहे होते हैं. हर टाइम रोड्स जो हैं वो बिज़ी होती हैं. एंड इट सीम्स एज इफ़ एवरीबडी इज़ इन अ ग्रेट हरी. और ऐसा लग रहा होता है कि हर टाइम हर बंदा जो है, हर इंसान जो है, बहुत एक जल्दी में है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप रोड्स पे कहीं जा रहे होते हो तो आप देखते हो हर तरफ इतनी ट्रैफिक है. हर एक को अपनी जगह पर, अपनी मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी होती है. वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं, लाइफ, सिटी लाइफ हैज़ इट्स चार्म्स एट द प्राइस ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स. कि शहरों में हमें जितने भी सुकून मिलते हैं उसी कीमत में हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं एज़ कम्पेयर टू पीसफुल विलेज लाइफ. जबकि जो विलेज की लाइफ होती है, यानी गांव की लाइफ होती है, वो बहुत पुरसकून होती है. वहाँ पे इतनी हसल बसल नहीं होती, ठीक है. मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ सम प्राइमरी नीड्स. कहते हैं जदीद तर्ज ज़िंदगी के कुछ असूल भी होते हैं, कुछ ज़रूरियात भी होती हैं, विच आर ओनली अवेलेबल इन सिटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ शहरों में मैसर होती हैं. गाँव में आपको पता है कि कई चीज़ें नहीं होती. कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती, अब ये यहाँ पर है. सच एज शॉपिंग प्लाजाज, जैसा कि शॉपिंग प्लाजाज मॉल्स वगैरह सिटीज़ में होते हैं. प्ले लैंड होते हैं, यानी कि प्ले ग्राउंड वगैरह, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा. यानी ये सारी ज़रूरियात जो होती हैं ये आपको कहाँ अवेलेबल हैं, शहरों में अवेलेबल हैं. सिटीज प्रोवाइड इक्वल चांसेस फॉर एवरी पर्सन टू प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन टैलेंट एंड हार्डवर्क. अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है कि जो शहरों की लाइफ होती है उसमें हर इंसान को अपने हिसाब से, अपने टैलेंट, अपनी मेहनत के हिसाब से मुकम्मल बराबर मौका मिलता है कि वो आगे तरक्की कर सके. तो आज हमने यहाँ तक अपने एसे की रीडिंग करनी थी, हार्डवर्क तक. यहाँ पर छोटा सा पॉइंट लगा लें कि आपको बताओ आज आपको हाफ एसे जो है वो मिला है, ठीक है. चलें एक दफ़ा फिर हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ताकि जितने भी न्यू वर्ड्स हैं आप उनको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर लें, ताकि याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. चलें स्टार्ट करते हैं. और ऐसे इज लाइफ इन अ बिग सिटी. लाइफ इन अ बिग सिटी इज ऑलवेज बिजी एंड एक्साइटिंग. देर इज़ अ ग्रेट हसल एंड बसल एवरीवेयर एंड इट सीम्स एज इफ एवरीबडी इज इन अ ग्रेट हरी. वी कैन से दैट लाइफ, सिटी लाइफ हैज़ इट्स चार्म एट द प्राइस ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स एज कम्पेयर टू पीसफुल विलेज लाइफ. नेक्स्ट पैराग्राफ, मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ सम प्राइमरी नीड्स विच आर ओनली अवेलेबल इन सिटीज़ सच एज शॉपिंग प्लाजाज, प्ले लैंड, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा. सिटीज़ प्रोवाइड इक्वल चांसेस फॉर एवरी पर्सन टू प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन टैलेंट एंड हार्डवर्क. सो क्लास सिक्स वी हैव डन आवर टूडेज वर्क. आई होप आपको अपने हाफ ऐसे की समझ आ गई होगी और आपने इसको अच्छे तरीके से याद करके रिटन प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है, ताकि आप सब न्यू वर्ड्स से फेमिलियर हो जाओ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ऐसे को कम्प्लीट करेंगे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.